स्टूडेंट आइस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक मोटर से दिया हुआ था। जो भी टर्म टू का एग्जाम देके आए हैं, फाइनल एग्जाम देके आए हैं क्लास टेंथ के, वो प्लीज आंसर मिला लें। देखिए इन द गिवन फिगर बिलो ए सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर इज ऑन, एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर दिया हुआ जिसका अरेंजमेंट दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे यह डीसी मोटर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, स्प्लिट रिंग लगा हुआ है और ये आर्मेचर दिया हुआ था। एज शोन इन द फिगर द करंट इन द कॉइल एबीसीडी फ्लो फ्रॉम ए, इसको शोन करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि ए से बी करंट जा रही है और सी से डी करंट फ्लो कर रहा है। ये बात को बोल रहा है आर्म सी डी में, ठीक है, आर्म सी डी में सी से डी जा रहा है। तो इस पे इस बेच को इस बेच फिगर पे आपको आंसर देना है कि स्टेट द डायरेक्शन इन विच द आर्म आर्म्स ए बी एंड सी डी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये जो आर्म ए बी है किधर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स और सी डी किधर करेगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको लगाना क्या है, आपको पता है कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो देखिए आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका देखिए इधर हो रहा है और करंट आपका इधर साइड में जा रहा है, ठीक है, इस साइड में जा रहा है। तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा। तो देखिए इस तरह के आप अपने हैंड को रखेंगे तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि थंब क्या नीचे की तरह अंदर की तरह पेच की तरह अंदर जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं ए बी में, ए बी में किधर जा रहा है, आंसर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी में आपका हो गया डाउनवार्ड, डाउनवार्ड बोल सकते हैं, डाउनवर्ड। अगर पेज में कहते हैं तो यह लिख सकते हैं और इन द पेज, इन द पेज में लिख सकते हैं, ठीक है, ये बोल सकते थे। और सी डी में जस्ट इसमें लगाइएगा तो सी डी में आप क्या देख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन आपका नीचे में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, नॉर्थ से साउथ हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो रहा है। इसमें जब लगाइएगा आप देखिए इस तरह का हो गया, करंट नीचे हो गया, तो ये आपका इस तरह के अरेंज करना है, ठीक है, तो ये वो आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आउटवार्ड लिख सकते हैं, आउटवार्ड, आउटवार्ड लिख सकते हैं या आउट द पेज, आउट द पेज ये बोल सकते थे, दोनों में से कोई आंसर लिख सकते हैं। चल ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर दैट रिवर्स द रिवर्सेस द फ्लो ऑफ करेंट इन द कॉइल एबीसीडी एंड राइट्स इट्स नेम, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द, इसमें पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसमें कौन कौन पार्ट है, एक्स वाई सब पार्ट है। तो आपको पता है कि कम्यूटेटर जो होता है करंट को रिवर्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पार्ट कौन हो गया, पी एंड क्यू, दो दो यहाँ दिखाई दे रहा है पी एंड क्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिख दीजिएगा कौन है, पार्ट कौन हो गया, पी एंड क्यू पार्ट, पी एंड क्यू पार्ट जो होगा क्या करिएगा, आपका इलेक्ट्रिक मोटर के करंट को रिवर्स करेगा। और इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम है स्प्लिट रिंग, इसी में लिख दीजिएगा स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू पार्ट बताइएगा, स्प्लिट रिंग बताइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं थ्री नंबर क्वेश्चन, आफ्टर द रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इन द क्वाइल ए बी सी डी स्टेट द डायरेक्शन इन विच द आर्म्स ए बी एंड सी डी विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। आफ्टर द रिवर्स ऑफ करेंट ऑफ द इंटरवल स्टेट द डायरेक्शन इन विच द आर्म्स ए बी एंड सी डी विल एक्सप्लोर, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसमें ए बी में क्या डाउनवार्ड था, तो इसमें ए बी में किधर बोल दीजिएगा, ए बी में अब हो जाएगा आउटवार्ड, ठीक है, आउटवार्ड हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं सी डी में क्या हो जाएगा, इनवार्ड, ऐसे करके आपको आंसर लिखना था, ठीक है। उसके बाद का नेम द रूल विच अप्लाई टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका यूज कौन सा किए हैं, फ्लेमिंग्स का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या यूज कर लिया हमने, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया हुआ। इस तरह का ये आपका फाइनली आंसर हो गया, 3 मार्क्स का हो गया। आई होप सारे आप लोग सभी ने सही सही आंसर दिए होंगे। थैंक यू।